नमस्कार। सो देखिए, अब कुछ आखिरी वीडियोस जो मैं रेगुलरली आपके लिए दे पाऊँ, उसमें से एक ये है। और शुरू से मैं आपको समझाता हूँ कि जो भी एमसीसी के अंदर काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर पहले 51 और अब 2 मिला के 53 कॉलेज आएंगे, वो 53 के 53 कॉलेज में फर्स्ट ब्लड एनआरआई चाहिए होता है। ओके, तो शायद आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि वो कॉलेज है कौन से। और कई बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मोटा मोटी इंडिया में 2 तरह के प्राइवेट कॉलेज हैं, एक जो रिपोर्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, एक जो केंद्र सरकार को। तो सरकारी भाषा में वो केंद्र सरकार के कॉलेज है सारे, एम्स, जिपमर, BHU, AMU, AFMC पुणे। और इसलिए MCC काउंसलिंग में ये सारे कॉलेज की सारी सीटें दी जाती हैं, और 15% ऑल इंडिया कोटा जो हर स्टेट के सरकारी कॉलेज ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है। और प्राइवेट में 51 और इस साल की जो 2 आने वाली है, MGM नेरुल और ग्राफिक इरा देहरादून। तो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, क्योंकि ये लेटेस्ट ब्रोशर आ गया है येनेपोआ का, और वन ऑफ दी वेरी वेरी क्लीन एंड बेस्ट ब्रोशर्स, इसलिए मैंने इसका उदाहरण ले लिया। येनेपोआ एक इन्हीं 53 में से कॉलेज है जो कि मैंगलोर कर्नाटका में है, और ये एमसीसी काउंसलिंग में आता है। ठीक, बड़ी क्विकली जाएंगे ये हमें जानते हैं, जब हम नॉर्मल एडमिशन ले रहे हैं जो कि 85% सीटें होती हैं, इस कॉलेज में चूंकि मुस्लिम माइनॉरिटी एमसीसी कॉलेज है, लेट मी पुट इट दिस वे, पूरे हिंदुस्तान में जो एमसीसी वाले 53 कॉलेज है उसमें एकमात्र मुस्लिम माइनॉरिटी यही है, बाकी सारे स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं लाइक इरा, अल्फला, इंटीग्रल, करियर, एलमीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड। इसलिए मैं अपने सारे क्लाइंट्स को हमेशा कहता हूँ कि भाई ये सारे संभाल के रखो, स्कोर कार्ड भी चाहिए, एडमिट कार्ड भी चाहिए, फिर जब लेटर मिल जाएगा सीट का वो लेकर जाना है, 10th 12th के मार्क्स, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अलग, माइग्रेशन अलग, करेक्टर अलग। ट्रांसफर होता है जो आपको स्कूल से मिलता है, माइग्रेशन जो आपको CBSE या बोर्ड से आता है, कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई करा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ नीडेड, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल सिंपल, बेसिक पासपोर्ट साइज, और अंडरटेकिंग नीचे आएगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, NRI कैटेगरी। सेम चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड वीजा स्पॉन्सर, हम जानते हैं NRI स्पॉन्सर, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट बहुत सिंपल है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एम्बेसी सर्टिफिकेट जैसे NRI सर्टिफिकेट, और ये देखिए फैमिली ट्री नोटराइज्ड बाय तहसीलदार, क्योंकि यही MCC ने रूल बना दिया है स्टार्टिंग 2023, उससे पहले रूल नहीं था। और इसी फैमिली ट्री का मतलब होता है, और रिलेशनशिप का मतलब होता है फर्स्ट ब्लड, और फर्स्ट ब्लड जो इन्होंने शायद मिस कर दिया, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, एक बार बार आप सुनोगे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस कंसोर्शियम ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, फर्स्ट ब्लड बच्चे बच्चे के मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, बच्चे का सगा ताऊ चाचा बुआ, मतलब बच्चे के पापा के सगे भाई बहन और बच्चे की मम्मी के सगे भाई बहन, मामा और मौसी, ये लोग इतने क्लियर हैं कि समझ लीजिए एक एग्जाम्पल है कि बच्चे का मौसा NRI है। ठीक, और बाई चांस मौसी इंडिया में ही रहती है, मतलब जो NRI सर्टिफिकेट है वो मौसा के नाम पर है, तो भी वो नहीं चलता, वो भी फर्स्ट ब्लड नहीं माना जाएगा, मौसी को NRI होना पड़ेगा। हाँ, मौसा मौसी का बच्चा है तो वो आपके फर्स्ट ब्लड में आएगा। तो फिर से रिपीट करता हूँ हिंदी में, बच्चे का मम्मी पापा, मम्मी पापा के मम्मी पापा मतलब दादा दादी नाना नानी, पापा के सगे भाई बहन, मम्मी के सगे भाई बहन, पापा के सगे भाई बहन के बच्चे, मम्मी के सगे भाई बहन के बच्चे, ऑफ कोर्स आपके सगे भाई बहन तो चल ही जाएंगे, इनमें से कोई ना कोई एक NRI या OCI होना चाहिए, तभी आप NRI स्पॉन्सर में आओगे। देखिए, बच्चा खुद ही अगर NRI या OCI या PIU हो, फिर तो वो प्रॉपर ही NRI हो गया ना, कैटेगरी 1, फिर तो उसको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे, करेक्ट। तो इसलिए धोखे मत खाइए, गड़बड़ मत कीजिए। मैं वही कहता हूँ कि हिंदुस्तान में ना सीट की कमी नहीं है, आप इन 53 कॉलेजों में बिना फर्स्ट ब्लड रिलेशन के, मतलब दादा के भाई का बेटा, मतलब मम्मी की बुआ का लड़का नहीं आएगा फर्स्ट ब्लड में। ठीक है, जब मैंने कह दिया मौसा नहीं आएगा। कोई कहता है जी किसी कॉलेज के आप जाते हो जो लालची कॉलेज है जी हम करवा देंगे, अरे पहले तो MCC चेक करके आपका पेपर रिजेक्ट कर देगी, उसके बाद फ्यूचर में कभी भी आपका पेपर कहीं पर भी निकला गया आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है। थोड़ी सी अलग बात समझाता हूँ, देखिए मैंने हमेशा कहता हूँ कि मैं फेमस करियर एंड मैनेजमेंट काउंसलर ऑल्सो, इलीगल काम ना 2 तरह के होते हैं और अनएथिकल काम, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं संत आदमी हूँ, मैंने जिंदगी में कभी इलीगल काम नहीं करा। हाँ, शायद जब मैं छोटा था मैं भी बिना बस के टिकट में यात्रा करी है, तो
ठीक है, यात्रा खत्म, आप बस से उतर गए, खाया पिया हजम करा, आप एक मंदिर की लाइन में, मस्जिद की लाइन में, पैसे दे के आगे चले गए, ठीक है, दर्शन किए, निकल लिए, बात खत्म, कहते तो रात खत्म बात खत्म। तो कुछ इलीगल काम ऐसे होते हैं, रात खत्म बात खत्म, बट कुछ इलीगल काम ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर आपके सर पे बैठे रहते हैं। जिनमें से एक एग्जाम्पल ये वाला हो गया जो मैंने आपको बोला, इस पर्टिकुलर चीज का, राइट? क्योंकि ये डिग्री जो है ना, ये आपने अगले जिंदगी भर यूज करनी है। ये तो क्यों पंगे लेते हो अगर फर्स्ट बुलेट नहीं है और नंबर भी कम है, और जितने पैसे आप इसके लिए खर्च करने वाले हो, उतने में कर्नाटका स्टेट का कॉलेज ले लो, उतने में मध्य प्रदेश स्टेट का कॉलेज ले लो, बिहार का कॉलेज ले लो, पौंडेचेरी तमिलनाडु की डीम यूनिवर्सिटीज ले लो, वो तो जैसे कहते हैं 170 नंबर पे भी मिल जाएगी, 175 भी मिल जाएगी, या 150 भी मिल जाएगी कैटेगरी क्वालिफाइड बच्चे को। तो क्यों हमें बिना फर्स्ट बुलेट के इन्हीं कॉलेजों में जाना, जरा सोचिए। अब ये 53 कॉलेज कौन से हैं ना, ये मैं आपको एक्सेल में दिखाई देता हूँ। तो पुराने जो 53 कॉलेज थे, आंध्र प्रदेश में एक है गीतम, दिल्ली में हमदर्द था, उसके बाद वडोदरा में SKBS, हरियाणा में अमृता मुलाना, अब देहरादून में हम जानते ही हैं ग्रेफिकीर आ गया, झारखंड का मणिपाल, कर्नाटका का JLN बेलागावी, JSS मैसूर, हेगड़े दोनों कस्तूरबा, येनपोआ जिसका हम ब्रोशर देख रहे थे, JGMM जो कि JLN वालों का एक ग्रुप का है, इसी ग्रुप का है कॉलेज JGM, BLD बीजापुर, राजराजेश्वरी बैंगलोर, SDU कोल्लार, श्री सिद्धार्था तुमकुर, अब श्री सिद्धार्था TVपुर, और श्री सिद्धार्था के नाम से एक स्टेट कॉलेज भी है जहां पर नॉन फर्स्ट ब्लड चल जाएगा, अमृता कोची, तीनों MGM, और अब चौथा आ जाएगा MGM नेरुल का, तीनों DY पाटिल, दोनों भारतीय विद्यापीठ, सिम्बियोसिस, रूरल लोनी, JLN वर्धा, दत्ता मेघे नागपुर, कृष्णा कराड़ दोनों उड़ीसा वाले, चार पौंडीचेरी के, महात्मा गांधी, अरुपड्डू, अरुपड़ाई, श्री लक्ष्मी विनायक मिशन, और फिर तमिलनाडु के मीनाक्षी, सविता, श्री सत्या साई, SRM, ACS, चेटीनाड, विनायक मिशन, वेल्स, MCH, संतोष, श्री ललिता मंगलाय, ओके। इनके अलावा अब दो नाम इस साल ऐड हो गए हैं, इनमें पंगे मत लीजिए, मेरी सलाह आपको ये है, प्योर फर्स्ट ब्लड नहीं है, ये कागज देख लीजिए फिर से, तो पंगे मत लीजिए। अब फैमिली ट्री नोटराइज मतलब ये थोड़ी ना कि दादा के भाई का बेटा NRI है, तो तहसीलदार तो उस फैमिली ट्री पे भी ठप्पा लगा ही देगा, लेकिन ये फैमिली ट्री की जो डेफिनेशन है, अगर आप MCC की वेबसाइट देखोगे या 2023 के रूल देखोगे तो वैसी है, इसलिए हम सबको मना कर देते हैं। तो कोई मेरे पास फोन आता है, अरे सर आप मना कर देते हो, किसी और ने बात बोला कि मैं काम करा दूंगा, मैंने कहा भाई लीगली ये चीज अलाउड नहीं है, MCC पक्का फेल करेगी, अच्छा कॉलेज लाइक येनपोआ पक्का फेल करेगा। अब आप भैया कोई जुआड़ू कॉलेज ढूंढ लो जिसको जो जो लालची है, उस चक्कर में जिंदगी भर आपके तलवार लटकी रहेगी, कल को 2 साल बाद 4 साल बाद कुछ दिक्कत हो गई, आप मुझे फोन करोगे, मेरे ऑफिस के बाहर ही खड़ोगे जो कि मेरे 42 साल पुराने घर में है पीतमपुरा में, तो मुझे 1-2 लाख कमाने के लिए इतना रिस्क लाइफ में या इतना पंगे नहीं लेने, तो जरा सा भी आपने लीगल काम कराना है किसी और से करा लीजिए, अपना स्टाइल है 100% फुल प्रूफ काम, और उसी के थ्रू भी सीट मिली जाती है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ इलीगल काम होते हैं जो खाया पिया हजम करा, जैसे लास्ट ईयर तक राजस्थान की सीट ऑफलाइन में मिल जाती थी। ओके, सोचिए, आपको मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की कि अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो सोच समझ के आगे बढ़िए, ठीक है? बाकी जो अंडरटेकिंग, देखिए ये भी आता है जो मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि एक बार आपने मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले लिया, बुरा मत मानिएगा, इन्होंने अकाउंट डिटेल्स भी दे रखी हैं, NRI के लिए भी दे रखी है अलग से अकाउंट नंबर, इन्होंने फीस रुपीज में बता रखी है, बट क्लियरली ये भी लिखा हुआ है ओनली अमाउंट इन USD इज एक्सेप्टेड इन दिस अकाउंट, राइट? तो बहुत अच्छे से डिटेल्स दिए इन्होंने, फीस स्ट्रक्चर तो उन्होंने आपको समझाने के लिए, सेम फीस स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बढ़ा है, येनपोआ का लास्ट ईयर ही 22 लाख था, और NRI फीस उन्होंने रुपीज में दी है, बट लिखा हुआ है कि NRI स्टूडेंट शेल पे फीस इन डॉलर्स, सारी फीस ये डॉलर में लेते हैं, येनपोआ में डेंटल कॉलेज भी है, और लास्ट में वही जो डराने वाली बात है जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, अंडरटेकिंग, आई हियर बाय एग्री टू कंप्लीट, ये अंडरटेकिंग ये होती है, इन द इवेंट ऑफ माई डिसकंटिन्यूशन फ्रॉम MBBS योर्स ड्यू टू एनी रीजन, आई अलॉन्ग विद माई पेरेंट गार्जियन अंडरटेक बैलेंस ट्यूशन फी टू बी पेड। इसका मतलब पता क्या होता है, तो ये मैं आपको वो भी बता दूँ, मुझसे पूछते हैं
सर इस साल एडमिशन लेके अगले साल सरकारी में चले जाएं, कोशिश कर लें। प्राइवेट बहुत गहरी बात बोलूंगा, बड़ी बात बोलूंगा, थोड़ी खराब भी लगी सुन के, अगर बच्चे की बेचारे की डेथ भी हो जाए ना तो भी पूरी फीस पे करनी पड़ती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को। तो इस मतलब कि पेरेंट्स इनकैपेबल हो जाएं, फीस ना घर दे पाए, ये आपका घर बिकवा के अपनी फीस वसूलेंगे। ओके, ये सारे उन्होंने फॉर्मेट भी दे दिए हैं। तो ये तो दिखाने के लिए, तो मेन मैं आपको वो दिखाना चाहता था। ओके, तो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि मैंने कहा, जो भी आपका काउंसलर है, खुद काउंसलिंग कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको हेल्प होगी। जहाँ तक हमारी बात है, वेरी फ्रेंकली, हमारा बाकी सीट्स खत्म हो रही है और शायद आपको 31 जुलाई, नहीं तो मेरे मन में प्लान है शायद 1 अगस्त मॉर्निंग को आपको हमारी तरफ से वीडियो मिल जाएगा या मैसेज मिल जाएगा कि वी हैव स्टॉप्ड टेकिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर अस, और मतलब 90-100% हो ही जाएगा 1 अगस्त, 31 जुलाई को नहीं तो मैक्सिमम 1 अगस्त को सुबह। ठीक है, सो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमें कॉल कीजिए, अब मैं ये कहूँगा हर वीडियो में कि जो भी आपका काउंसलर है या खुद काउंसलिंग कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए और वो इलीगल काम मत कीजिए जो जिंदगी भर आपके सर पे तलवार बन के लटकी रहे, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर।